नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति के तहत लालगंज स्थित प्राथमिक विद्यालय दिवंगांव प्रथम पर स्थानीय महिलाओं व बालिकाओं का एक कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रमोद यादव ने कहा कि आज महिलाओं को स्वावलंबी बनने और अपने परिवार के साथ साथ अपने लोगों को भी आगे बढ़ाना होगा। इस अवसर पर अपने सार्वगर्भित संबोधन में विद्यालय के सहायक अध्यापक उदय प्रताप दुबे ने कहा कि आज पूरे विश्व में महिलाएं पुरुषों से प्रत्येक क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। उन्हें अपने अपव्यय मनोबल ऊंचा रखना होगा। विद्यालय की महिला शिक्षकों को विद्यालय को अपने निजी संसाधन से इलेक्ट्रिक उपकरण पंखा दान देने पर विद्यालय की सहायक अध्यापिका श्रीमती सहिता सेठ, रेखा पांडे व व्यवसायी श्रीमती अर्चना देवी व पूनम चौरसिया को उन्हें जहाँ पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया, साथ ही स्थानीय महिलाओं और विद्यालय की बच्चियों को भी शपथ भी दिलाई गई। नमस्कार, मैं सहायक अध्यापिका रेखा पांडे, प्राथमिक विद्यालय देवगांव प्रथम। आज मैं मिशन शक्ति के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाया हुआ मिशन है, तो जिसके तहत वो महिलाओं और बालिकाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन की बात करते हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत हमने अपने विद्यालय के प्रांगण में भी बच्चों के माता पिता को आमंत्रित किया था। सभी महिलाओं और बालिकाओं को मिलकर हमने एक शपथ भी दिलाई थी मिशन शक्ति के तहत, कि हमें अपनी बालिकाओं को किस तरह बचाना है और उन्हें आगे लेकर जाना है। और इसके अंतर्गत हमने अपने स्कूल के बालकों को भी इस मिशन से जोड़ा, जिससे कि उनके अंदर भी बालिकाओं के लिए सम्मान और आदर का भाव जागृत हो सके, वो महिलाओं और बालिकाओं के प्रति संवेदनशील बन सके, क्योंकि इसमें सभी की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। ये मिशन शक्ति तभी सफल होगा जब इसमें बालक बालिका सभी एक साथ सम्मिलित हों और इसके मूल उद्देश्य को समझें, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाएं या बालिकाएं अपने मतलब अपने आत्मसम्मान के प्रति जागरूक हों और स्वावलंबी बने, खुद को आगे लेकर जाएँ। धन्यवाद।